केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज गुरुवार को ग्वालियर के एक दिवसीय दौरे पर हैं। उन्होंने ग्वालियर स्मार्ट सिटी कंपनी के कंट्रोल कमांड सेंटर पहुंचकर होम आइसोलेशन कोरोना मरीजों से बात की। एक मरीज से बात करने के दौरान मरीज ने सिंधिया से कहा कि मैं चाहता हूं कि मुझे बार बार कोरोना हो जिससे आप मुझसे बात कर सकें। इस पर सिंधिया ने हाथ जोड़कर कहा कि भैया ऐसी बात नहीं करो, ठीक होने के बाद आकर मुझसे मिलना। अच्छा, और कोई बुखार उखार कोई और लक्षण तो नहीं है? अरे अरे ऐसे मत करो भैया, ऐसे मत करो, भगवान ना करे ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। मरीज की बात सुनकर थोड़ी देर के लिए सभी चौंक गए, लेकिन जब सिंधिया ने मरीज से ऐसा ना कहने के लिए कहा तो सभी ने उस पर हामी भर दी। तो अब तक अब अरे वाह, चलो अब तबीयत कैसी है? चलिए बहुत अच्छे। और जरा दवाई ववाई भी सब मिल गई? जी महाराज, सब कुछ प्रदान कराया गया। मैडम रेखा यादव है हमारी डॉक्टर, वो प्रॉपर टाइम पे बात करती रही। मैडम जो लोग भी वहाँ है सभी को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देता हूँ महाराज। ठीक है, अपना ख्याल रखना पड़ेगा। और घर में और किसी को तो नहीं हुआ ना? नहीं महाराज, नहीं हुआ। ठीक है, अपना ख्याल रखना और दुरुस्त होने के बाद आके मुझे मिल लेना। जी महाराज, जी चरण स्पर्श महाराज। अपना ख्याल रखना, अपना ख्याल रखना। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए ग्वालियर से ब्यूरो रिपोर्ट। मैं हूं सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं टाइम 8 मध्य प्रदेश। टाइम 8 मध्य प्रदेश आपका अपना चैनल है। अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, फॉलो करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज गुरुवार को ग्वालियर के एक दिवसीय दौरे पर हैं। उन्होंने ग्वालियर स्मार्ट सिटी कंपनी के कंट्रोल कमांड सेंटर पहुंचकर होम आइसोलेशन कोरोना मरीजों से बात की। एक मरीज से बात करने के दौरान मरीज ने सिंधिया से कहा कि मैं चाहता हूं कि मुझे बार बार कोरोना हो जिससे आप मुझसे बात कर सकें। इस पर सिंधिया ने हाथ जोड़कर कहा कि भैया ऐसी बात नहीं करो, ठीक होने के बाद आकर मुझसे मिलना। अच्छा, और कोई बुखार उखार कोई और लक्षण तो नहीं है? अरे अरे ऐसे मत करो भैया, ऐसे मत करो, भगवान ना करे ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। मरीज की बात सुनकर थोड़ी देर के लिए सभी चौंक गए, लेकिन जब सिंधिया ने मरीज से ऐसा ना कहने के लिए कहा तो सभी ने उस पर हामी भर दी। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए ग्वालियर से ब्यूरो रिपोर्ट। मैं हूं सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं टाइम 8 मध्य प्रदेश। टाइम 8 मध्य प्रदेश आपका अपना चैनल है। अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, फॉलो करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।